नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक, आपका स्वागत है यहाँ इथियोपिया से आप सभी का। फिलहाल अभी मैं हूँ तुर्मी में, तुर्मी जो कि साउथ पार्ट में है, साउथ वेस्ट पार्ट में। सुबह के 5:30 बज रहे हैं दोस्तों, और आज जल्दी उठना हो गया है। कारण ये है कि जल्दी से जाना है यहाँ से गारो ट्राइब लोगों से मिलने के लिए, उनका जीवन यापन देखने के लिए। इसी बहाने आप लोग मॉर्निंग रूटीन भी देख लेंगे। लेकिन सुबह सुबह क्यों जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आज 2 बजे की फ्लाइट है जिंका से अडिसा बाबा के लिए। मैं कंफ्यूजन में था कि फ्लाइट कल है लेकिन आज ही है, तो ये मुझे रात में ही पता चल गया था। तो ऐसा जल्दी उठना हो गया, लगभग 4:30 में हम लोग उठे और सारी तैयारियां हो गई है, निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है जो कारो ट्राइब का विलेज है, वो 80 किलोमीटर जाना फिर आना, फिर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दिखाता है गूगल में, वैसे 130-140 होगा जिंका, लेकिन 200 दिखाता है, पता नहीं। हाउ फार फ्रॉम हियर टू द किलोमीटर, 130 और 200 किलोमीटर के आसपास का सफर होने वाला है, और 12:00 से पहले हम लोगों को पहुंचना है जिंका। तो ये एक टारगेट मिला हुआ है, जैसा विमान के चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। ऐसा डार्क में अंधेरे में जाना तो उतना सही नहीं है, लेकिन आधे घंटे में उजाला हो जाएगा। तो ये भाई हमारी बाइक जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। दोस्तों रास्ते में रुक गया हूँ मैं ये दिखाने के लिए, ये आप लोग देख रहे हैं यार, दीमक का घर। ऐसे कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर बना के रखे हुए हैं इन्होंने, और मेरा हुलिया देखो केजरीवाल साहब बना हुआ हूँ। ये देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किसी लकड़ी पे सा बना होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप लोग देखें। तो यार ये मेन रोड था, काफी सुंदर और काफी सही, और अभी हम लोग इधर में निकलने वाले हैं। देखिए 2:10 लिखा है, 26 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर के तरफ में मेन रोड से। ये दोस्तों आप खूबसूरत सा सनराइज देख रहे हैं यहाँ इथियोपिया देश से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सनराइज देखना ज्यादा पसंद है या सनसेट। यार इधर जाने के लिए ठीक से रास्ता ही नहीं है, जब ज्यादा बारिश होती होगी तब तो जाने बनता ही नहीं होगा, अभी तो फिर भी ठीक है। आप लोग देखें ओमो रिवर, इसी ओमो रिवर के नाम से ही ये जो जगह है पूरा, जो भी ट्राइबल विलेज वगैरह है यहाँ पे, इसका नाम ओमो वैली है। मैं पहुंच चुका हूँ जो कारो ट्राइब लोगों का बस्ती है, जो इनका विलेज है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मिलाऊंगा कारो ट्राइब के जो लोग हैं। इससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ इनके बारे में। ये जो कारो ट्राइब है यहाँ ओमो वैली में सिर्फ नहीं, पूरे इथियोपिया में जो लगभग 80 ट्राइब्स हैं उनमें से सबसे कम जनसंख्या वाले ये ट्राइब्स, लगभग 1500 के आसपास इनकी जनसंख्या है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। 2-3 रीजन है। पहला तो एक कि एक और कोई ट्राइब है जिनसे इनका बनता नहीं है और झगड़ा झंझट होता रहता है उनके पास, AK-47 गन वगैरह रहता है, तो एक दूसरे को मारते वगैरह रहते हैं, तो ये कारण, और भी कुछ कारण है यार, पता नहीं। हेलो हाउ आर यू। तो ये पेंटिंग ट्राइब है यार, ये पेंट तो ये पेंटिंग ट्राइब है यार, ये अपने आप को पेंट करके रखते हैं नहा धो के। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है तो कोई पेंट करके अपने आप को नहीं रखे, बहुत कम लोग ऐसा दिखेंगे आप लोगों को। महिलाएं अलग प्रकार का पेंट करती है खुद को, और जो पुरुष हैं ये अलग, मैंने कुछ वीडियोस में देखा हुआ तो भी कम है, पूरा अपने आप को पेंट कर लेते हैं और अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। ये जो ओमो रिवर देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, इसमें मगरमच्छ भी मिलेंगे आप लोगों को, इस ट्राइब के लोग शिकार करते हैं मगरमच्छ का। और जितने भी ट्राइब्स का विलेज मैंने देखा अलग अलग, सबसे सुंदर जो जगह है, जो गांव है इनका लगा मुझे यार, बहुत खूबसूरत है। एक वैली देखिए इधर में आप लोग, ये ओमो वैली एरिया, जितने भी यहाँ पर विलेजेस देखे आप लोगों ने, सिर्फ ये नहीं, इससे पहले भी इस रिवर की वजह से ओमो वैली पड़ा है उसका नाम, है ना, ओमो रिवर के नाम पे। ये कुछ भैया लोगों से मिलो दोस्तों आप लोग। तो यार इनका घर कैसा होता है अभी आप लोग देखें,
है ना? You want to see my home? लेकिन अच्छा है यार, वेंटिलेशन के लिए इनका घर का जो डिजाइन है, सब घर ऐसे ही होते हैं भाई। जैसे इधर में भी आप लोग देखें, और ये तो शायद जानवरों के लिए है। I want to go inside. Your home, let's go. Okay. This one? Okay. Can I come inside? Okay. Thanks. तो ये कॉफी बना रहे थे यार, पी गए। इनका घर भी वैसा ही है भाई, हमारा ट्राइब जैसा, लेकिन उनका एक और फ्लोर होता है जिसपे सोते हैं, है ना? इस पे एक ही है। पिलो? When you sleep? ओह, तो ये यार ये पिलो का भी काम होता है इसमें, और बैठते भी हैं देखो। ओके ओके ओके। तो सांप बिच्छू का डर होता है ना, मैंने पूछा, क्योंकि ऐसा गैप है, तो बोल रहे हैं कि कभी कभी होता है ये प्रॉब्लम, लेकिन कुछ देसी जुगाड़ लगाते होंगे। ओके थैंक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस गांव में घर कैसे हैं कारो ट्राइब के, है ना? सब घर ऐसे ही है कि डिजाइन के, ऐसा नहीं कि लोग अपना अपना घर थोड़ा अलग अलग टाइप का बनाए, है ना? सब वैसे ही हैं। ये अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, अपना कल्चर फॉलो करते हैं। स्टोरेज फॉर व्हाट? फूड। हाँ, फॉर फूड। फूड फॉर अ कोई व्हेन सम हार्वेस्ट टाइम वी ड्रिंक। ओके ओके। सोगम अवे। ई ओके। और खाने पीने वगैरह की बात करूं तो सारे ट्राइब्स का लगभग लगभग वैसा ही है, सोरगम और मेज। सोरगम सबसे ज्यादा खाते हैं। तो यार ये कारो ट्राइब के जो लोग हैं, इनका टोटल 3 विलेज है यहाँ पूरे इथियोपिया में। तो 1500 लगभग जनसंख्या है इन ट्राइब की, टोटल 3 गांव में, है ना? भगवान करे इनकी जनसंख्या थोड़ी बढ़े, क्योंकि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, और इन ट्राइब को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, है ना? ये लेमिनार गन मेनन ऐसा अंतर ने चाहता ना इन दस उल्लेख ने दम। What he will do that? No, he just grinding just plain. Yeah, plain. Yeah. Okay, okay, okay. Hello. Yeah, my friend. Come. Yeah. $200 for what? Okay, I don't know how much, but who is boss? Okay, me. Who is the boss? Who is boss? Give us okay, that. You count and you give all, okay? Buy chocolate? Eat. Okay. Yeah? Okay. Thanks. तो यार ये बच्चे लोग पीछे कर रहे थे, उनको पैसा चाहिए था, तो मिला, उसके बाद बस साथ छोड़ दिया उन्होंने भाई। बच्चे हैं यार। हेलो, सलाम है ना? हाउ आर यू? मैं लेकर करता हूं इतना ही सगाई वाला जस्ट राइट इट फॉर ईच मीट। ओके सम टाइम 1 किलो कैन गो। हां गॉट। फॉर द एनिमल गोल्ड एनिमल गोल्ड गुड एनिमल इट्स फॉर वन फैमिली। ओके ओके ओके। सो दे गॉट लॉट्स ऑफ गोट आफ्टर मैरिज। यस। तो किसी की शादी हुई है यार, तो इतने सारे बकरियां उनको मिले हुए हैं। एक का है ये, मतलब एक परिवार का। देखिए, मतलब ये जो बकरियां हैं ये लड़की के पापा को मिले हुए हैं, किसी ने शादी किया उनकी बेटी से, तो इन्होंने डिमांड किया होगा कि मुझे इतना बकरी चाहिए। ये जो ट्राइब है इनमें गाय और बकरी दोनों चलता है, कुछ भी दो, है ना? या फिर दोनों मिला के दो। क्रोकोडाइल एंड फिश। ओके एंड कैट फिश एंड सो यू कैन नॉट टेक शावर देयर। वी टेक इट शावर बाय द रिवर। नो बट यू आर सेइंग लॉट्स ऑफ क्रोकोडाइल देयर, सो हाउ यू टेक शावर? यू डोंट फियर क्रोकोडाइल? बट वी डोंट नो स्विमिंग। वी सेड राइट नाउ वी सो वी टेक वॉशर राइट दैट वी डोंट नो स्विमिंग द सम टाइम द गोट व्हेन इट गो डाउन गोट क्रोकोडाइल व्हेन इट कम द किटल द गोट goats and then we shoot with the gun the crocodile. okay okay yeah. okay ye yaar kuch game khel rahe hain yahan pe ladke log. the mess no the mess are going to us over let's go there itagi badi di uti onka gare ane re na sa fitela तो यार यहाँ से अभी हम लोग निकल गए हैं, थोड़ी जल्दबाजी है, वैसे मुझे हड़बड़ी में ऐसा घूमना तो पसंद नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया फ्लाइट है,
दो बजे की, तो 12:30 बजे तक पहुंचना होगा और लगभग 250 किलोमीटर के आसपास सफर करना है अभी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से, अभी वीडियो थोड़ा कम बनाऊंगा यार मैं। तो भाई 30 किलोमीटर और रह गया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि आज की फ्लाइट तो यार मिस होने वाली है, लेकिन हमारे जो दानी भाई साहब हैं, क्या गाड़ी चलाया उन्होंने, और अभी रुक गए थे यार, बारिश हो रही थी, अभी तो थम गई है, अभी ये चाय पीने के बाद में निकलेंगे। 11:30 बज रहे हैं अभी और लगभग आधे घंटे का टाइम और लगेगा, मतलब 2 बजे की फ्लाइट है, मिस नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों जिनका पहुँच के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, और ये एयरपोर्ट का रास्ता भाई, तो ये भाई पहुंच गया एयरपोर्ट यार, रेलवे स्टेशन जैसा है एयरपोर्ट। वैसे जाने का मन तो था मुझे बाय रोड, लेकिन बाय रोड जाने से दोस्तों 2 दिन का समय लग जाएगा। बाय रोड जाने से ज़्यादा अच्छा होता है अगर समय बहुत ज़्यादा हो ट्रैवल पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, ट्रैवल ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन चूँकि परसों मेरी फ्लाइट है यहाँ अडिस अबाबा से मुंबई इंडिया के लिए, जी हाँ दोस्तों मैं अपने प्यारे भारत देश वापस जा रहा हूँ परसों, लगभग 1.5 महीने के बाद में। तो इस बार का ये अफ्रीका ट्रिप लगभग समाप्त होने वाला है दोस्तों, लेकिन सिर्फ इस बार का, मैं बहुत जल्द वापस से अफ्रीका आऊँगा और अफ्रीका के बाकी देशों को एक्सप्लोर करूँगा और आप भी मेरे साथ में शामिल होंगे। पूरी फ्लाइट खाली है भाई, बस कुछ लोग ही हैं। कॉमेडी वाली बात हो गई, ये जो टोपी वाले अंकल देख रहे हैं आप, शायद इनका पहली बार है फ्लाइट में, इन्होंने टोमेटो जूस लिया, पूरा पी नहीं पाए तो खिड़की में देख रहे थे कि खोलना कैसे और फेंकना कैसे है इसको, गिलास को, फिर उनको कोई जुगाड़ नहीं दिखा तो पूरा पी रहे अभी। जितना हो सके कोशिश किया भाई उन्होंने कि खिड़की खोल के वो ये गिलास फेंके बाहर। ओए मुन्ना कहाँ जा रहा है यार। तो फाइनली दोस्तों सुरक्षित पहुंच गया हूं एक बार फिर से यहां अडिस अबाबा में, और यहां पे ये वीडियो एंड करूंगा। मुझे उम्मीद है आज के जो ब्लॉग था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, फिर भी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक इंतज़ार करिए, बहुत ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।